तो देखा होगा तो कर्नाटक में हमारा ये दानिश साहब का विजिट था, तो हम भी मिले इधर और हमारे साथ जो बच्चे ऐसे इधर सीधे बोलो चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश व्लॉग। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, शुक्रिया। तो आज का प्लान कुछ यूँ है, आज मुझे जाना है कोकरनाग, और भी कहीं जगह पर जाना है, तो वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स मेरे वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऑलरेडी यहाँ से लेट हो चुका है, तो पहले हम कोकरनाग पहुँचते हैं, तो उसके बाद फिर मिलते हैं। और हाँ, हम आज कुछ टूरिस्टों के साथ भी बात करेंगे, उनका व्यू भी देखते हैं कश्मीर को लेकर क्या है, ठीक है। तो हाँ जी, तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ कोकरनाग, तो यहाँ पे पहले काशू भाई का वेट करते हैं, ठीक है। तो उसको भी 4-5 मिनट लगेंगे, तो उसके बाद फिर मिलते हैं। तो आशु भाई आ चुका है, दूर से ही मजाक करने लगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हाँ जी, तो गाइस हम आ चुके हैं पार्क में, तो हमारा डिसाइड बन चुका है, पहले पार्क में थोड़ा सा इन्जॉय करेंगे, कुछ रील्स बनाएंगे, तो उसके बाद हम आगे का प्लान भी तो आपको पता चल ही गया। तो ये आशु भैया कुछ बोलना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, फाइनली मुझे मिले ये दानिश भाई, तो इनने कॉल करा, इसलिए आना पड़ा यहाँ पे, तो इनको मिलने के लिए आया था। तो अब मैं आ गया कोकरनाग पार्क में, पहले एंजॉय करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे हम किसी और जगह कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो आप लाख से बने रहे, ठीक है, तो आगे मिलते हैं। हाँ जी गाइस, तो हमने कुछ रील्स यहाँ पे बनाए हैं आशु भाई और मैंने, तो देखते हैं आगे का प्लान। फिलहाल हम नमाज पढ़ेंगे, तो उसके बाद फिर आगे का डिसाइड हम करेंगे, ठीक है। अभी जुमा है, जुमा पहले नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद इंशाल्लाह दर्शन जाएंगे और वहाँ पे आपको कुछ दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो आप इलाके साथ बने रहें, ठीक है। हाँ जी, तो गाइस हम पहले यहाँ पर खाना खाएँगे, पैराडाइज रेस्टोरेंट है यहाँ पर, तो जो भी यहाँ पे कोई आएगा तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना एक बार, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लजीज खाना मिलता है, पैराडाइज रेस्टोरेंट, ठीक है। गाइस हम पहले यहाँ पे खाना खाएंगे, तो इसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है, ठीक है। ये पैराडाइज होटल है जो कोकरनाग में, अभी बहुत अच्छा होटल है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं, तो आप ही यहाँ पे जरूर विजिट करना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, सीरियसली यहाँ पे आ जाओ विजिट करो। हाँ, मैं फयाज कार्पियो की तरह ये नहीं बोलूँगा ना, प्योर कैसे नीतीज बिरयानी कैसे, ऐसी बात मैं तो बोलूँगा नहीं, मैं ये बोलूँगा यहाँ पे आओ, खाना खाओ, चाय पियो, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। हाँ जी, तो गाइस हमने खाना खा लिया है, अब हम वापस आ चुके हैं इस पार्क में, तो देखते हैं, फिलहाल इन्जॉय करेंगे यहाँ पे, थोड़े रील्स और बनाएंगे, क्योंकि और कोई बंदा यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो आशु भाई मेरे पास पीछे, हेलो, तो आपको पता है खाना वाना खा लिया, तो अभी आ गए कोकरनाग पार्क में, तो आपको पता है यहाँ पे कितना मज़ा है, बहुत ज़्यादा मज़ा है, आप भी आ जाओ, आप भी देख लो, क्योंकि और मैं एक बात यहाँ पे आपको मेंशन करूँगा, ये जो हमारे भाई है, इसको सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो उसको, खासकर लाइक कमेंट शेयर ज़रूरी तो बनता है, क्योंकि ये हर टाइम हर कोई चीज़ आपको दिखाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो आप देख लेंगे, तब तक के लिए आप बात कीजिए। तो अगर आपको अभी तक ये वीडियो किसी भी तरह पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, तो मिलते हैं आगे। हाँ जी, तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे पार्क में हैं, तो अभी हमने कुछ रील्स यहाँ पे बनाए, तो मेरे पीछे दो चार बंदे तो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ठीक है, आशु भैया और उसके साथ दो चार और बंदे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्राउड भी जमा हो चुका है, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं आगे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल डाइन 046। तो आपने यहाँ का व्यू देख लिया है कोकरनाग पार्क का, तो हमने थोड़ा सा एंजॉयमेंट किया, थोड़ा सी रील्स बनाए अपने भाइयों के साथ, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं, तो उनके साथ हम बात करेंगे, उनका व्यू देखते हैं कश्मीर को लेकर, वो क्या समझते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कौन को कैच होता है हमारे कैमरा में। तो आप ब्लॉग के साथ बने रहे, लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माई अवर चैनल डाइन 046 एंड आशु एस्टर। अंकल आप ठीक हो? जी बढ़िया। हाँ जी, आप तो बताइए। बहुत बढ़िया। कितना टाइम हो गया यहाँ आके आपको? एक्चुअली हम यहाँ पर घूमने आए हैं, तो हमें अभी 2-3 डेज ही हुए हैं। अच्छा, किसी जगह गए हो आप इससे पहले? इससे पहले हम कहाँ गए थे?
जगह का नाम जरा थोड़े अजीब है यहाँ के सुनने में सिंथन टॉप के। हाँ जी सिंथन टॉप। न्यूज चैनलों में अक्सर आता है यहाँ पे हालात बहुत ज्यादा खराब है, आपको क्या लगता है? आपने खुद यहाँ पे आंखों से देखा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, खराब कुछ नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट हैं, हालात अभी तो हमें बिल्कुल खराब लगे नहीं है। चलो आपको लगता है ये जन्नत कश्मीर है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, पहाड़ों की वजह से जो बार बार आने का दिल करता है। अच्छा तो हम एक लाइन कश्मीरी में बोलेंगे, वो आप बोल सकते हो? नहीं ट्राई करना है, मैं ट्राई करूंगी। ठीक है, तुछवा गैर सरी ठीक है, तुछवा गैर सरी ठीक है, तो मिला के बता इसका गैर सरी ठीक, मतलब आपके घर में सब ठीक है? बिल्कुल माशाल्लाह से सब ठीक। चलो आप भाई कुछ सवाल पूछेंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ जी, तो गाइस आपने देख लिया है आज का यहाँ का व्यू, तो हम आए थे यहाँ पे घूमने, तो यहाँ मेरे पीछे देख सकते हो ये भी हम हमारे साथ जुड़ चुके थे। ठीक है, तो आशु भाई कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए मैं लास्ट में एक बात आपको बोलूँगा, आपने तो देखा होगा कर्नाटक में हमारा ये दानिश साहब का विजिट था, तो हम भी मिले इधर और हमारे सभी जो फ्रेंड्स हैं, तो ये सारे इंस्टाग्रामर भी है और यूट्यूबर भी है। ठीक है, अब लास्ट में एक बात बोलूँगा, हमारा काम होता है सबसे बड़ी बात होती है सपोर्ट करना। आप देखिए, आप वीडियो देखे, व्लॉग देखे, लाइक कमेंट शेयर तो जरूरी बनता है, और खास करके दानिश साहब इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, और अगर हो सके तो मेरी चैनल भी सब्सक्राइब कर देना आशु ऑफिशियल फोटो से। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। तो गाइस टाइम आ चुका है इस जगह को यहाँ पे अलविदा कहने का। ठीक है, तो मिलते हैं कभी और किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, सुरक्षित रहे, अमान अल्लाह।